आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे मशरूम मटर। इसके लिए हमें चाहिए मशरूम। मशरूम को मैंने पतला पतला काट लिया है, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। मटर, 3 प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा और तेल। अब हम मशरूम मटर बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, 3 चम्मच तेल डालेंगे, 3 चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार ले, मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें मटर डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, इसे मीडियम आंच पर 5 मिनट तक भुनेंगे। 5 मिनट हो चुकी है, मटर को और मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे ढककर 7 मिनट तक पकाएंगे। सात मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मशरूम डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे, इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। पांच मिनट हो चुकी है, हमारे मशरूम मटर तैयार है, अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारे मशरूम मटर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।